नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि पोस्टल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग GDS एम्प्लॉयज को वर्ष 2016-17 में 60 डेज का जो उनका एवरेज इम्प्लॉयमेंट बनता है उसका एज ए बोनस पेमेंट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 18 सितंबर 2017 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर यानी ऑर्डर जारी किया गया, और इस ऑर्डर के अनुसार इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ग्रुप बी नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज, ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग MTS और ग्रामीण डाक सेवक एम्प्लॉयज, उनको वर्ष 2016-17 में मिलने वाले प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की घोषणा की है। और इसमें इन्होंने बताया कि जो भी पोस्टल एम्प्लॉयज हैं उनको उनके जो 60 दिन का बोनस पेमेंट किया जाएगा, और इसके लिए इन्होंने अलग अलग फॉर्मूला ईजाद किया है कि जो रेगुलर पोस्टल एम्प्लॉयज हैं उनका किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा बोनस, और जो ग्रामीण डाक सेवक एम्प्लॉयज हैं उनके लिए किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा ये PLB यानी बोनस। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जैसे ही कुछ नया आता है आपके लिए हम आपको लाते रहते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम आपको बताते हैं कि इसमें जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं पोस्टल एम्प्लॉयज उनका जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस कैलकुलेटर किया जाएगा उसका फॉर्मूला आपके सामने है। तो इसमें इनको लिया जाएगा कि जो एवरेज एवरेज इम्प्लॉयमेंट्स इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ बोनस, और उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 30.4 जो कि एक महीने के एवरेज डेज होते हैं उसको। तो उसके बाद में जो वैल्यू आएगा वो पर मंथ हो जाएगा PLB, और उसको फिर जितना दिन कोई एम्प्लॉयज या जितने महीने कोई एम्प्लॉय काम किया पोस्टल एम्प्लॉयज तो उसके अनुसार उसको गुणा करके जो वैल्यू आएगा उसका पेमेंट कर दिया जाएगा, और तो वो उसको हो जाएगा PLB। उसके बाद में जो GDS एम्प्लॉय हैं तो GDS एम्प्लॉयज का PLB कैलकुलेशन करने के लिए पिछले 12 महीने का यानी 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक जो भी यानी जो GDS एम्प्लॉयज हैं उनका जो एवरेज एम्यूलमेंट्स बनता है उसको डिवाइड किया जाएगा 12 से, तो वो उनका पर मंथ हो जाएगा एवरेज TRC है, और फिर उसको मल्टीपल किया जाएगा नंबर ऑफ डेज ऑफ बोनस, और फिर डिवाइड कर दिया जाएगा उसको 30.4। तो ऐसे करके जो वैल्यू आएगा उसको वो हो जाएगा उनका PLB, और मैक्सिमम रखा है कि 60 दिन का जो भी उनका एम्यूलमेंट्स बनता है उसका उन्हें एज ए ये PLB पेमेंट किया जाएगा। साथ में जो रेगुलर कैजुअल लेबर्स हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनको भी PLB का पेमेंट किया जाएगा, और उसके लिए भी इन्होंने फॉर्मूला दिया है कि उनका नॉमिनल मंथली वेज फिक्स किया जाएगा, फिर उसको नंबर ऑफ डेज से और बोनस से गुणा किया जाएगा, उसके बाद में उसको डिवाइड किया जाएगा पर मंथ डेज के अनुसार, और जो फिर वैल्यू आएगी उसको फिर डिवाइड कर दिया जाएगा कि मैक्सिमम एडॉक बोनस फॉर द ईयर। फिर तो काफ़ी सारा फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन इस बार यानी वर्ष 2016-17 में पोस्टल एम्प्लॉयज को 60 दिन का बोनस दिया जाएगा त्यौहार मनाने के लिए। तो ये GDS पोस्टल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग GDS एम्प्लॉयज के लिए लेटेस्ट अपडेट है कि उनको 60 दिन का बोनस का पेमेंट किया जाएगा वर्ष 2016-17 में। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि सूचना आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।